नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रामलला हम आ गए, मंदिर वही बना गए, तारीख भी बता गए। तारीख है 22 जनवरी 2024। इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल है, हर किसी को सिर्फ 22 जनवरी का इंतजार है। यही वो दिन है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यही वो दिन है जब पूरा देश दिवाली मनाएगा, यही वो दिन है जब करोड़ों लोगों का सपना पूरा होगा। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हर कोई अपने तरीके से खुशी जाहिर कर रहा है। इसी बीच कई जाने माने सिंगर भगवान राम पर बने अपने भजन रिलीज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम पर बने भजनों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर प्यार लुटा रहे हैं। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने भगवान राम पर बने एक भजन को शेयर किया है, जिसे बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जुबिन नौटियाल ने गाया है, मनोज मुंतशिर ने लिखा है और पायल देव ने म्यूजिक कंपोज किया है। अब पीएम मोदी ने मेरे घर राम आए हैं भजन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर इसे दिल छू लेने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने जुबिन नौटियाल, मनोज मुंतशिर और पायल देव की भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। राम लला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर जी का ये स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है। बता दें, इस गाने को साल 2022 में टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया था। इस गाने को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जुबिन नौटियाल और मनोज मुंतशिर के भजन के अलावा पीएम मोदी ने और भी सिंगर्स के भजन शेयर कर उनकी तारीफ की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर हंस राज की तारीफ करते हुए लिखा था, अयोध्या में भगवान श्री राम के स्वागत से पूरा देश खुश है। राम लला की भक्ति में डूबे भक्त इस शुभ दिन पर विभिन्न तरीकों से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। इस भजन को सुने भगवान श्री राम को समर्पित हंसराज रघुवंशी जी का श्री राम भजन। वहीं हंसराज रघुवंशी के अलावा पीएम मोदी ने बिहार के छपरा की रहने वाली सिंगर स्वाति मिश्रा के भजन राम आएंगे को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था। पीएम मोदी ने स्वाति मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा था, श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा ये भजन मंत्रमुग्ध करने वाला है। बताते चले कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी न्योता दिया गया है, जहां बॉलीवुड से कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी समेत कई बड़ी हस्तियों को बुलाया गया है। वहीं साउथ से रजनीकांत, प्रभास और चिरंजीवी समेत कई हस्तियों को न्योता दिया गया है। वैसे जिस तरह से पीएम मोदी ने मनोज मुंतशिर और जुबिन नौटियाल की तारीफ की है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।